धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी हुआ करते थे अभी तक बिहार के, सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आपने उसके खूब बोल बचनों को सुना होगा। उन्होंने रिया चक्रवर्ती को कहा कि उसकी क्या औकात है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे बोल सके। अब खबर आ रही है कि वो डीजीपी नहीं रहे हैं, उन्होंने वीआरएस ले लिया है। वो चुनाव लड़ सकते हैं, हो सकता है आने वाली सरकार अगर बन जाए एनडीए की तो उसमें वो मिनिस्टर भी बन सकते हैं। यहीं से सवाल पैदा होता है कि क्या वो जो अभी तक कर रहे थे वो अपने लिए चुनावी माहौल तैयार कर रहे थे, चुनावी जमीन बना रहे थे, और क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई ऐसा अफसर ऐसी बातें करके ऐसा माहौल बना के सत्ता की तरफ चला गया हो, या इससे पहले और भी बहुत सारे नाम हैं। वैसे हाल फिलहाल आजकल ये चलन कुछ ज्यादा चल गया है। बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाने के बाद चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई को राज्यसभा बुला लिया जाता है। बिपिन रावत जो हमारे देश के रक्षा प्रमुख थे उनको बाद में चीफ ऑफ कमांड बना दिया जाता है, और उससे पहले उनके बोल बचन सारी दुनिया ने सुने। उससे पहले अगर हम जाएं तो बीके सिंह सेना प्रमुख हुआ करते थे, वो तो आंदोलन करने उतर गए थे सड़क पे, और इस सरकार पर जो यूपीए की सरकार थी उस वक्त उस पर सवाल उठाते थे, और बाद में वो सांसद चुन के आ गए और उनको मंत्री तक बना दिया। ये सब क्या कहलाता है? क्या उस दौर में जब ये अधिकारी काम कर रहे होते हैं ऐसा होने से उनके उन कामों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और हर किसी को लोग शक की नजर से नहीं देखेंगे? ये सारे सवालात पैदा हो रहे हैं। इन्हीं को समझने जानने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ स्काइप के जरिए जुड़ने की विभूति नारायण राय जी से, जो पूर्व आईपीएस हैं, अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं, नाम ही उनका काफी है उनके परिचय के लिए। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद। स्वास्थ्य वगैरह ठीक है? जी हाँ जी, आपकी मेहरबानी। अच्छा, मेरा पहला सवाल ये है कि गुप्तेश्वर पांडे जी ने जो वीआरएस लिया है, और जो मैंने वीआरएस के बारे में पढ़ने की कोशिश की है उसमें लिखा हुआ है कि 3 महीने का आप पहले नोटिस देंगे तब आपको वीआरएस दिया जा सकता है, लेकिन सरकार ने तमाम नियम कानूनों में आनन फानन में बदलाव करके उनको वीआरएस दे दिया। देखिए, वीआरएस लेना या रिटायरमेंट के बाद कोई एम्प्लॉयमेंट हासिल करना, राजनीति में जाना, ये सब तो एक तरह से अधिकारी के अपने मौलिक अधिकारों में है। सिर्फ कुछ मामलों को छोड़ करके जहां ये ममानियत है कि आप अपने पद से रिटायर होने के बाद एक निश्चित अवधि तक कोई दूसरी नौकरी नहीं कर पाएंगे, तो इसमें तो कोई बहुत मुझे अजीब नहीं लगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इस तरह के अधिकारी जैसे गुप्तेश्वर पांडे हैं, इस तरह के अधिकारी काफी पहले से अपना राजनीतिक रुझान जाहिर करना शुरू कर देते हैं। जब वो पद पर रहते हैं तब भी उनके बयान, उनकी कार्रवाइयां, उनकी हरकतें ये इशारा करने लगती हैं कि इनका चुनाव लड़ने का इनका इरादा है। चुनाव लड़ना बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है कि कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ जिम्मेदार ओहदों पर रहे हुए लोग चुनाव लड़े और जीत के आए, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि आप देखिए, कुछ उदाहरण आप लीजिए। यूपीए सरकार में जो उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे वो बीजेपी में शरीक हो गए, जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे वो बीजेपी में शरीक हो गए, जो होम सेक्रेटरी थे वो बीजेपी में शरीक हो गए। आप कुछ जगहों पे तो नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई, मसलन विनोद राय जिस पद पर थे उस पद पर रहते हुए वो सीएजी थे और उन्हीं की रिपोर्टों की वजह से यूपीए संकट में फंसी थी। अगर आपको याद हो कि 1,00,000 करोड़, 2,00,000 करोड़, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी फिगर्स आती थी जी। उनको नियमों को शिथिल करके उन्हें बनाया गया। हमारे नृपेंद्र मिश्रा जी जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे उनको नियमों को शिथिल करके वापस प्रधानमंत्री जी का प्रमुख सचिव बनाया गया। तो ये सारी चीज, या ऐसे पहले मौके आए कि ज्वाइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम पता चले कि वो अंबानी का नौकर हो गया इस्तीफा दे करके, और अंबानी और पेट्रोलियम मंत्रालय के तो आप समझते हैं कि कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं। या मैंने बहुत सारे मामलों में देखा कि कोल सेक्रेटरी सिविल एविएशन का कोई डीजी या सिविल एविएशन सेक्रेटरी किसी प्राइवेट एयरलाइंस का डायरेक्टर हो गया उसकी कंपनी में। तो ये सारी चीजें थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, कांग्रेस तो एक प्लेटफॉर्म थी, कांग्रेस में तो कोई व्यक्ति किसी भी वर्ग का, किसी वर्ण का, किसी जाति का, किसी क्षेत्र का वो कंफर्टेबली आ सकता था और जा सकता था। बीजेपी एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बीजेपी एक खास तरह की विचारधारा है। अगर आप रिटायरमेंट के बाद बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं इसका मतलब आप उस विचारधारा से पहले से प्रभावित हैं, और वो इतनी आसानी से वहां आपकी एंट्री नहीं हो रही है। आपको पूरी तरह से ठोक बजा के देखा जा रहा है कि आप खास
तरह की फिलॉसफी में विश्वास करते हैं तभी आपको लिया जाएगा। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी में ठोक बजा के लिया जाता है, यानी कि आप उनकी हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत हैं या असहमत हैं, ये पहले ठोक बजा लिया जाता है उसके बाद आपकी एंट्री कराई जाती है। लेकिन ऐसे तमाम नाम आपने गिनवाए, कुछ नामों का मैंने भी जिक्र करने की कोशिश की, इससे क्या ब्यूरोक्रेसी पे सवाल नहीं होता है? जो सीट पे बैठे हुए आज अधिकारी हैं, क्या उनकी भूमिका को लेकर लोगों के अंदर शक नहीं पैदा होता है कि ये ईमानदारी से काम नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल शक होता है। अगर एक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का ज्वाइंट सेक्रेटरी रिलायंस की नौकरी करने जाता है इस्तीफा दे करके, तो आप समझिए कि पिछले 5-7 साल से रिलायंस से कैसे उसके रिश्ते थे, किस तरह से वो मतलब ऐसे काम कर रहा था जो एक शासक एक शासन में रहने वाले पदाधिकारी के लिए उचित नहीं थे। आप गुप्तेश्वर पांडे जी का लीजिए, गुप्तेश्वर पांडे ने रिया वाले केस में, अभी कल भी मैं उनका बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि अगर हमने आवाज ना उठाई होती तो जो अब तक हुआ वो भी नहीं हुआ। अब तक क्या हुआ जरा ये तो बताएं, आपने तो हत्या आत्महत्या और पता नहीं क्या क्या चीजें उठाई थी, उसमें तो कुछ निकला नहीं, खुदा पहाड़ निकली चुहिया। अगर ड्रग्स के मामले चेक करने हैं तो ये पूरी दुनिया को पता है, भारत में शायद ही कोई आदमी होगा जो इससे अनभिज्ञ हो, जो ये ना जानता हो कि आधे से ज्यादा बॉलीवुड इंडस्ट्री कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय में ड्रग्स ले चुकी है। तो आपको तो कोई नार्कोटिक्स टेस्ट आप बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उसके, आप एक तरफ से बुलाइए और नार्कोटिक्स टेस्ट कराना शुरू कर दीजिए। तो ये तो रिया का जो उसमें पकड़ा जाना ड्रग्स में और नार्कोटिक्स में, और ये तो सब मजेदार चीजें हैं, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन जो आरोप थे कि उसने 15 करोड़ रुपए निकाल लिए सुशांत सिंह के, सुशांत सिंह को पहले तो कहा जा रहा था हत्या कर दी गई, फिर ये कि अच्छा अगर आत्महत्या की तो इसी ने उसे प्रोत्साहित करके आत्महत्या कराई। सब जानते थे कि सुशांत सिंह डिप्रेशन का मरीज था पहले से, रिया के जिंदगी में आने से पहले से ड्रग्स लेता रहा, नार्कोटिक्स के का इस्तेमाल करता रहा पहले से, और उसमें सुशांत की भी गलती नहीं है। देखिए नौजवान लड़के हैं, कम उम्र में बहुत शोहरत हासिल हो जाती है, बहुत दौलत हासिल हो जाती है, जो सेक्सुअलिटी की जो मॉरलिटी जो बाकी भारतीय समाज में जिस तरह से स्वीकार की जाती है, फिल्मी दुनिया में उसका कोई बहुत अर्थ नहीं है। तो इसलिए ये जो गुप्तेश्वर जी का भी मैं कल परसों बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि अगर हमने रिया का मामला नहीं उठाया होता तो कुछ नहीं होता, तो हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, आवाज नहीं उठाते तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैं एक चीज और पे इशारा डालना चाहता हूँ, जितने बाबा लोग हैं, जितने जो ये मजार हैं, दरगाहें हैं, यहाँ पे जो पीर फकीर पड़े हैं, बड़ी तादाद में सब चिलम पीते हैं, चरस गांजा पता नहीं क्या क्या पीते हैं, अगर पकड़ना ही है तो इस तंत्र को पकड़िए, गली गली में दिल्ली के अंदर बिक रहा है चरस गांजा, उसको पकड़िए, एक टारगेट करके क्या बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश नहीं की जा रही है सर? अब इसमें बॉलीवुड क्या बॉलीवुड का इस मामले में कोई बहुत अच्छा नाम नहीं है, तो वो बदनाम भी क्या करेंगे, तो खैर एक अलग बहस हो जाएगी। देखिए हमें बहुत सारी चीजें मूल्यों को समय के हिसाब से परिवर्तित करना चाहिए। अभी आपने देखा होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कुछ राज्यों ने मारिजुआना को लीगलाइज करने का ऐलान किया है, तो हमारे यहाँ भी गांजा भांग चरस ये बहुत आम इस्तेमाल की चीजें हैं, अगर आप इनमें ईमानदारी के साथ आप इनको लागू करने लगे तो हमारे आधे से ज्यादा बाबा जेल चले जाएंगे। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपने कानूनों को समय के हिसाब से बदलना चाहिए। जैसे हमने लिव इन रिलेशनशिप को स्वीकार कर लिया है, आखिर रिया का और सुशांत के जो संबंध थे लिव इन रिलेशनशिप के, उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, उस पर कोई शोर नहीं कर रहा, नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है, यहाँ हमने स्वीकार कर लिया। तो अब हमें ये सारी चीजें, और फिर एक खास तरह के पॉलिटिकल माहौल में चुनाव होने वाला है जो जातियों पर आधारित होगा, मजेदार बात है कि बिहार के चुनाव में जातियां एक बहुत बड़ा यथार्थ होती है, तो उन जातियों में एक खास जाति का को उसका नायक आप दे दीजिए कि ये तुम्हारा नायक है ये लड़का, और उसके लिए आप आवाज उठाने लगे। तो गुप्तेश्वर का मुझे लगता है कि पिछले जितने दिन ये डीजीपी रहे हैं इनके कार्यकाल की जांच होनी चाहिए और देखनी चाहिए कि क्या ये पहले से तो नहीं इसी तरह की हरकतें इन्होंने शुरू कर दी थी और इनके फैसले उससे प्रभावित हो रहे थे। एक डीजीपी को बहुत बड़े बड़े फैसले करने पड़ते हैं, अगर आप चुनाव ध्यान में रख करके फैसले कर रहे हैं तो फिर जाहिर है कि उनमें बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जब भी कोई अधिकारी इस तरह की हरकत करता है, बड़ी बात की आप और इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जब ये राजनीति की तरफ जा ही रहे हैं, बीआरएस लेके जा रहे हैं, तो इनके बोल बचनों की और इनके द्वारा किए गए कामों की जांच होनी चाहिए, क्या पता ये पहले से माहौल बना रहे हों। अक्सर कर देखने में मिलता है कि पुलिस सारे हथकंडे सारे काम
पुलिस में आप उसको भी जोड़ लीजिए, सीबीआई को, ईडी को, तमाम लोगों को, वो विपक्ष के लोगों पे ही ज्यादा वार करते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या वाकई में अधिकारी आज एक दिशा में काम कर रहे हैं सत्ता को खुश करने के लिए, ताकि रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले बहुत कुछ हासिल कर सकें? देखिए, ये तो दुर्भाग्य हमारे यहाँ का जैसा सिस्टम है, जो भी सत्ता में आता है वो पुलिस का दुरुपयोग करता है। मैं भी 37 साल आईपीएस में रहा, मैंने देखा कोई भी सरकार आई हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, जनता दल, जनता पार्टी, सपा, बसपा, भाजपा, जो भी सरकार, ये तो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन हमें स्वीकार करना चाहिए, हमारे समय का यथार्थ है। जो पॉलिटिकली चुनी हुई सरकारें आती उनकी भी मजबूरियां होती हैं, उन्हें भी अपने वोटर्स के लिए, अपने इलेक्टोरेट के लिए, अपनी जनता के लिए कुछ ना कुछ लोक लुभावन काम करने पड़ते हैं। लेकिन हम जो अधिकारी बहुत आगे बढ़ करके एक्टिव हो रहा है सत्ता पक्ष को खुश करने के लिए, और जो उसके बाद चुनाव लड़ने का इरादा रख रहा है, वीआरएस ले रहा है, अब इन्हें भी, इन्होंने वीआरएस लिया है निश्चित रूप से, इनको भी किसी न किसी पोलिटिकल, इन्होंने सारे पत्ते अपने खुले रखे, अभी नहीं बताया किस पोलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं, तो जहां से टिकट मिलेगा लड़ेंगे, हो सकता है जीत जाए, मेरी शुभकामनाएं, उनके साथ मंत्री बने इसमें भी मेरी शुभकामनाएं। लेकिन ये एक खतरनाक स्थिति है, इसका मतलब आप जो आखिरी 4-6 साल आपकी सर्विस के हैं उसमें आप पूरा जोर इस बात पे डाले हुए हैं कि कैसे सत्ता पक्ष को खुश किया जाए और कैसे टिकट हासिल किया जाए, कैसे मंत्री बना जाए। इसमें अफसोसनाक सिर्फ ये, देखिए कांग्रेस में भी बहुत सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट गए, लेकिन जैसे मैंने पहले निवेदन किया कि कांग्रेस तो एक प्लेटफॉर्म थी, कांग्रेस में किसी बॉस में कम्युनिस्ट भी चला जाता था, हिंदू महासभा भी चला जाता था, जनसंघी भी चला जाता था, मुस्लिम लीग भी, आजादी के बाद जितने मुस्लिम लीग के लोग उत्तर प्रदेश में रह गए या भारत में रह गए सब कांग्रेसी हो गए थे। तो कांग्रेस में जाना तो बड़ा आसान था, आप कोई चला जाए, लेकिन बीजेपी में अगर कोई जा रहा है तो वो वैचारिक रूप से खास तरह का उसका रुझान होगा, तभी बीजेपी में जा पाएगा। लेकिन मुझे लगता है यहाँ एक बड़ा सवाल आईपीएस एसोसिएशन पे भी खड़ा होता है, वो इस बारे में क्यों खामोश रह जाती है, कभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात क्यों नहीं करती है, या कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों नहीं बनाती है, या खुलकर ऐसे लोगों का विरोध क्यों नहीं करती है? देखिए, आईपीएस एसोसिएशन नॉर्मली अपने इंडिविजुअल मेंबर्स के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करती और उसमें दखल नहीं देती, लेकिन आईपीएस एसोसिएशन ने, अभी आपने देखा होगा एक चैनल ने जिसने ये कहने की कोशिश की कि यूपीएससी में कोई लव जिहाद जैसा कोई जिहाद हो रहा है, मुसलमानों को भर्ती किया जा रहा है, तो आईपीएस एसोसिएशन ने उसका विरोध किया और कहा कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल मेंबर्स के मामले में सही है कि आईपीएस एसोसिएशन दखल नहीं देती। क्या आपने जो आईपीएस का जिक्र किया कि वो सुप्रीम कोर्ट गए, उस मामले में यूपीएससी को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि सीधा सवाल तो यूपीएससी पे खड़ा हो गया था सर? सही सही, सबसे पहले यूपीएससी को जाना चाहिए और यूपीएससी से ज्यादा सरकार को। देखिए, वो तो एक सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाली बात थी, वो कोई सीधा साधा इनोसेंट किस्म का कार्यक्रम नहीं था कि साहब 40-45 मुसलमान आ गए। उनका तो ये कहने का मतलब था कि कोई जिहाद होने जा रहा है, जैसे वो लव जिहाद की बात करते हैं उसी तरह कोई यूपीएससी जिहाद जैसी बात है। तो इसमें सरकार को सख्ती के साथ निपटना चाहिए था, इसमें यूपीएससी को तो और भी ज्यादा हस्तक्षेप करना चाहिए था। सही कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से तमाम चीजों पर रोशनी डाली और साफ कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी होता था, कांग्रेस के दौर में भी होता था, लेकिन कांग्रेस के दौर में हर तरीके की विचारधारा के लोग चले जाते थे, लेकिन यहाँ वही लोग जा रहे हैं जिनको ठोक बजा लिया जाता है ढंग से, तो क्यों ना उनके जो बीते हुए कार्यकाल हैं उस पर सवाल खड़े होने चाहिए और उन सवालों का जवाब सामने आना चाहिए, पर उम्मीद नहीं है कि कोई जवाब सामने आएगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।